ये है होटल ब्लेसिंग इन प्रयागराज और यहाँ सेमिनार हुआ है ब्लैकबेरी ब्राइडल मेकअप स्टूडियो जो कि आपका मुंडेरा ट्रांसपोर्ट नगर प्रयागराज में है। और ये व्लॉग को मैंने एक्सप्लोर किया है एंड बहुत सारी छोटी छोटी क्लिप्स भी मेरे यूट्यूब चैनल पे अपलोड है, आप जाकर देख सकते हैं। और ये फुल व्लॉग है। हेलो एवरीवन, मैं हूँ टिया और मैं प्रयागराज में रहती हूँ। एंड मैं सेमिनार में जब पहुँची तो मुझे काफ़ी लेट हो गया था, बिकॉज उसका रीज़न ये है कि पहले ये होटल ट्यूलिप में था एंड रैंडमली ये चेंज हो गया। एंड जब मैं सेमिनार पहुंची तो सेमिनार स्टार्ट हो चुका था, बट ऑलरेडी मुझे मेकअप करना आता है तो मुझे चीज़ें मुझे स्टेप समझ में आ गया था कि कहाँ से स्वाति मैम ने स्टार्ट किया। और यहाँ चाय और स्नैक्स भी ऑफ़र किया जा रहा था, एक एक लोगों को बहुत अच्छे से ट्रीट किया गया। जो भी स्टूडेंट्स थे सेमिनार अटेंड करे थे उनको बहुत अच्छे से ट्रीट किया जा रहा था, हर लोगों का केयर किया जा रहा था। और ये है हमारी स्वाति मैम जो कि मेकअप करती हुई, और जो भी स्टूडेंट्स इनसे क्वेश्चन इंक्वायरी कर रहते मेकअप से रिलेटेड चीज़ों को, वो सारी चीज़ों को अच्छे से रिप्लाई कर रही थी, एक एक चीज़ें अच्छे से क्लियर करके बता रही थी। एंड यहाँ बीच बीच में स्नैक्स भी दिया जा रहा था एंड स्नैक्स भी हम लोग खा रहे थे एंड चाय कॉफ़ी भी ऑफ़र की जा रही थी। और स्वाति मैम का मुझे सबसे अच्छा तरीका ये लगा कि वो जो भी आप क्वेश्चन करते हो उसको बहुत अच्छे से, वो बहुत ही कायदे से वो रिप्लाई करती हैं और आपको अच्छे से समझाती हैं। और ये थी मॉडल जिनका मेकअप हुआ था, स्वाति मैम ने किया था एंड इन्होंने रैंप वॉक भी किया और बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया। डांस इन्होंने इतना ज़्यादा अच्छा किया, ज़बरदस्त वाला डांस था इनका, बहुत ही ज़्यादा मुझे इनका मेकअप भी अच्छा लगा। एंड फिर हो गया था लंच टाइम, और लंच टाइम में एक कार्ड हमें मिला था जिस कार्ड को हमें देना था और हमारी प्लेट मिलनी थी वहाँ से। एंड हमने कार्ड दिया और कार्ड के बाद हमें प्लेट मिली। और जो यहाँ लंच में था वो था पनीर बटर मसाला एंड दाल थी एंड मिक्स वेजिटेबल्स थी, पुलाव था और रोटी थी। बहुत ही अच्छा इन्होंने अरेंजमेंट कर रखा था। एंड डिज़र्ट में जो था यहाँ, वो डिज़र्ट में था आइसक्रीम, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी तो आइसक्रीम बहुत ज़रूरी होती है। एंड मैंने अपनी प्लेट को तैयार करवाया एंड तैयार करने के बाद मैंने अपना लंच फिनिश किया और मुझे मिल गई थी कुछ मेरी सब्सक्राइबर, उनके साथ मैंने फ़ोटो शूट भी कराया। एंड फ़ोटो शूट के बाद फिर क्या हुआ कि स्वाति मैम ने डांस करवाया था यहाँ, डांस भी बहुत अच्छा हुआ था। एंड उन डांस परफॉर्मेंस के बाद यहाँ रैप भी हुआ था जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। रैप के बाद यहाँ डांस परफॉर्मेंस भी हुआ था और ये मेरा फेवरेट सॉन्ग है, अक्सर मैं इंस्टा रील पे इसे ज़रूर अपलोड करती रहती हूँ। इनके डांस परफॉर्मेंस के बाद जो स्वाति मैम ने दूसरा एरोबिक मेकअप क्रिएट किया था, उन्होंने भी मॉडल ने बहुत ही अच्छा डांस किया। एंड डांस बाद में हुआ था, मेकअप पहले हुआ था। और ये अरबिक मेकअप क्रिएट किए थे, ये बहुत बड़ी बात होती कि एक मेकअप आप क्रिएट करने के बाद उन्होंने लंच के बाद फिर सरप्राइज़ एक मेकअप हम लोग को दिया जो कि अरबिक मेकअप था और ये लुक भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। एंड उसके बाद हुआ क्या कि सर्टिफिकेट जितने स्टूडेंट ने सेमिनार अटेंड किया था सबको सर्टिफिकेट मिला और बीच बीच में क्वेश्चन किया जा रहा था, जिसका सही आंसर दे रहे थे स्टूडेंट उनको गिफ्ट भी मिल रहा था। एंड गिफ्ट देने के बाद फिर थोड़ा बहुत परफॉर्मेंस हुआ साथ में, स्वाति मैम और दोनों मॉडल ने ही परफॉर्म किया जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। और इनका एक एडवांस कोर्स भी स्टार्ट हो रहा है 30 डेज़ का, जो कि 5 जून से स्टार्ट है और मैं डिस्क्रिप्शन में आपको सारी डिटेल दे दूंगी। अगर आपको भी मेकअप सीखना है स्वाति मैम से तो आप इनके यहाँ विज़िट ज़रूर करें एंड सारा एड्रेस सब कुछ मैं मेंशन कर दूंगी। एंड अगर आपको व्लॉग ज़रा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे व्लॉग को लाइक करिएगा एंड शेयर करिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय, लव यू ऑल।